एवरीवन, मैं राधिका आप सभी का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 42 पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गई सबसे पहले आप सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है अष्टमी पूजन। मैं सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी गाइस। उठने के बाद मैंने पूरे घर की साफ सफाई की। और गाइस हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजी जाती है। हम लोग सप्तमी का फर्स्ट रखते हैं अगर हम लोगों को शुरू का और लास्ट का रखना होता है। वैसे सारे भी रख सकते हैं बट इस बार नहीं रखे तो हम लोगों ने सप्तमी का फर्स्ट रखा और अभी अष्टमी पूजेंगे। तो अभी कंजी के भी आएंगी। कंजी के मतलब थोड़ा लेट ही आती है छोटी छोटी सी बच्चियाँ। गाइस आज सुबह मॉर्निंग में ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज बहुत जल्दी काम करना था मुझे और टाइम से कंजी के भी जिमानी थी। एक्चुअली हमें दोपहर के टाइम कहीं जाना भी है बाहर। तो देखिए सबसे पहली हमारी कन्या ये आ चुकी है, हमारी कन्या कनक। और कनक हो चुकी है बिल्कुल रेडी कंजी को मैं जाने के लिए। तो कनक मुझे दिखाने आई थी मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। तो कनक बहुत ही प्यारी लग रही थी, कनक रेडी थी। यहाँ पर मेरा और कनक का थोड़ा सा डांस तो बनता ही है। गाइस हम लोग तो प्रसाद बना ही रहे थे अभी और हमारी डोर बेल बजी, कनक का बुलावा आ चुका है। और आज तो कनक का मतलब लॉटरी लगने वाली है। कनक दो तीन दिन से इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब शुरू से इसको बहुत ज्यादा क्रेज है, बच्चों को रहता ही है। और यहाँ पर कनक को जाना था नेबर में कंजी के जिमने के लिए, तो मैं वही प्लेट्स वगैरह इसको दे रही थी। तो बोली कि मम्मा वहाँ पर मिलेगी, मैंने कहा ठीक है तो फिर आप ऐसे चले जाओ। तो ये ऐसी चली गई थी। फिर तो आप लोग देखिए गाइस मैंने यहाँ पर चने बिल्कुल बनाकर रेडी कर दिए हैं। देखिए गाइस सुबह सफाई वगैरह करने के बाद मैं नहा कर सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने ही रखे थे बॉईल होने के लिए, क्योंकि चने बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चने बॉईल हुए तो उसके बाद मैंने यहाँ पर चने फ्राई किए बहुत अच्छे से, मसालेदार बिल्कुल। इधर मैं सूजी को भून रही हूँ और मुझे बनाना है सूजी का हलवा। सूजी का हलवा मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ क्योंकि गाइस सूजी का हलवा सीखा है मैंने मम्मी से, मतलब मेरी सासू माँ से, और वो सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो इस चीज का क्रेडिट हमेशा उन्हीं को जाता है। तो आप लोग देखिए सूजी का हलवा बनकर यहाँ पर रेडी है बिल्कुल। बस अब आगे के काम शुरू करती हूँ। तो देखिए गाइस चने भी फ्राई हो चुके थे, हलवा भी बन गया था और जो जो बनता जा रहा है मैं उधर मंदिर के बिल्कुल सामने रखती जा रही हूँ। और अभी मुझे आटा गूंथना है, बस मैं अजवाइन वाला आटा गूंथूंगी फिर गर्मा गर्म पूरियां बनाऊंगी। अभी कृष्णा खड़े हुए हैं बच्चों का वेट कर रहे हैं क्योंकि बराबर वाले घर में कंजी के जिम रही है। जैसे ही वो जिम कर बाहर आएंगे जब कृष्णा घर पर लेकर आ जाएंगे जब तक मेरा प्रसाद बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए गाइस माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं कंजूकों के रूप में और एक लांगुरिया भी आए हैं हमारे घर में। और बस अब हमारा प्रसाद बिल्कुल रेडी था, अब उनको जिमाते हैं कंजी के। जय माता दी बोलो पहले सब। जय माता दी। अब आ रहे ना सब, देखो ये रह गई थी बेचारी, वो बहुत देर से देख किसा दे देना है बस रुक जाओ छोटे क्या कौन है? अरे कौन आया? लांगुड़िया लांगुड़िया आ गया पूरी दो पहले खुले पैसे तो नहीं सी हो जाते।
गाइस कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गया था। कन्या पूजन के बाद जो ये सब समेटना, उसके बाद कहीं और भी जाना है, वहाँ की भी तैयारी करनी है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। और बस इस ब्लॉग के एंड में ये पे करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।